यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। चलो, इट इज समटाइम्स हर्ड दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ओनली एन आइडियल कंसेप्ट एंड नो सच इनर्शिया। हाँ भाई, देखो भाई, चलो न्यूटन के बारे में बात करें तो अपन ने क्या बोला भाई, अपन तो भाई पृथ्वीवासी हैं, अपन तो जमीन पे चलते हैं, अपन तो पृथ्वी पे चलते हैं भाई, तो ठीक है। तो भाई पृथ्वी को अपन मान लेते थे इनर्शियल फ्रेम, है ना। पर दिक्कत ये होगी, जो अपनी प्यारी प्यारी पृथ्वी है, जो अपनी प्यारी प्यारी पृथ्वी है, ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, पृथ्वी गलत तो नहीं लिख रहा, भूल गया हिंदी, है ना। वो क्या कर रही है, सन के अराउंड चक्कर लगा रही है पृथ्वी। जब पृथ्वी सन के अराउंड चक्कर लगा रही है तो उसका एक एक्सेलरेशन हो रहा है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अभी अपन ने जो न्यूटन्स लॉ से निकालते हैं भाई, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या है, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या है, विच सेटिस्फाइज फर्स्ट लॉ, विच सेटिस, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होती, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, विच सेटिस्फाइज फर्स्ट लॉ। याद रखना, जब तक तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। विच सेटिस्फाइज फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो भाई ये तो एक्सेलरेट फ्रेम है, और हमको पता है इस कंसेप्ट से निकला था, उसके लिए एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, है ना। तो अगर अर्थ का एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये भी परफेक्ट है, इनर्शियल फ्रेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं कि क्योंकि इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कम है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम मान के हम काम करते हैं। फिर लोगों ने सोचा, चलो अर्थ नहीं है तो सन होगा, अर्थ नहीं है तो चलो सन होगा, फिर सन इनर्शियल फ्रेम होगा, परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम। पर पता चला सन का भी हो सकता है, जो अपना गैलेक्सी है ना, अपन को तुम्हें पता है ना, अपन गैलेक्सी के आउटर पार्ट में है। हाँ, अब मैं गैलेक्सी बना नहीं पाऊंगा, मेरी तुम्हें पता है ये डायग्राम कैसे है ना। पर वी आर, इफ दिस इज आवर मिल्की वे, अगर ये हमारी मिल्की वे है ना, सो वी आर हियर, हम वी आर एट द एज, है ना, दिस इज अस, आवर सोलर सिस्टम, सन अर्थ, वो हम यहां पे हैं, वी आर एट द वर्ज ऑफ आवर मिल्की वे, ना, बिल्कुल एज पे हैं हम अपनी मिल्की वे के, और बीच में क्या है, एक बहुत मासिव ब्लैक होल, ए वेरी मासिव ब्लैक होल, है ना। तो इस ब्लैक होल के आगे सन मूव कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि सन स्टेशनरी है और इस सन चक्कर लगा रहा है। जितने भी बड़े बड़े तुम स्टार देखते हो, इस ब्लैक होल के आगे कुछ भी नहीं है ना, ब्लैक होल की साइज इतनी नहीं होती है ना, उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, है ना, समझो यार, मैंने ऐसे दिखाने के लिए पिक्चर बनाई है, ठीक है। तो समझो सन भी ऐसा नहीं है रेस्ट पे, सन भी एक्सेलरेट कर रहा है। और ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है कि हमारा सन का ड्यूअल बाइनरी स्टार हो, जो हमने आज तक ऑब्जर्व नहीं करा, तो वो दोनों भी एक दूसरे के अराउंड अगर घूम रहे हैं तो भाई एक्सेलरेशन हो रहा है, तो सन भी नहीं है, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो सन भी फिर इनर्शियल फ्रेम नहीं है। चलो हमने कहा भाई फिर ये होगा, चलो सन भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, सन भी नहीं है, चलो ये ब्लैक होल होगा। फिर पता चला बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, एंड ऑल द गैलेक्सीज आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो फिर कंफ्यूज हो गए भाई, फिर एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है। तो फिर भाई माइकलसन मॉली का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, है ना, कि दुनिया में कोई भी चीज नहीं है ल्यूमिनिफस ईथर जैसी, एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। सो न्यूटन के कंसेप्ट के हिसाब से ये एक आइडियल कंसेप्ट हो गया, एक आइडियल कंसेप्ट हो गया। तुम ऐसा बोल सकते हो, मान लो एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां पे कोई भी फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर वहां पे तुम एक पार्टिकल रख दिया, तुम जब कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो फिर वो है ना, वो एक हाइपोथेटिकल डिस्कशन का पॉइंट बन गया, मतलब है ना। पर हाँ ठीक है, वो भी करते हैं, फिजिक्स में ये सारी चीजें अपन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, पर न्यूटन इन चीजों को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसके लॉ का मतलब क्या, क्वेश्चन उठा फिर तुम्हारे लॉ का मतलब क्या, जब कोई इनर्शियल फ्रेम ही नहीं है तो कहां काम करते हैं तुम्हारे लॉ। तो इन सबका कुछ भी आंसर नहीं था न्यूटन के पास, अंटिल आइंस्टाइन ने इस कंसेप्ट को क्लियर नहीं करा ना। अब इसको आइंस्टाइन वाली बात जनरली पढ़ाते नहीं है, पर जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाया उन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कंसेप्ट पता है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, एनी फ्रेम विच इज फ्रीली फॉलिंग इज परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम। अब देखो न्यूटन और आइंस्टाइन की डेफिनेशन में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, पर आइंस्टाइन की अंडरस्टैंडिंग में कंप्लीट है। एक बार आइंस्टाइन वाले तुमने पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, न्यूटन वाले की भी जरूरत नहीं है ना, न्यूटन वाला अधूरा था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, आइंस्टाइन ने उन सबको फिल कर दी। यही तो थी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, उसने सारी वो कमियों को दूर कर दिया ना। बहुत सारी दिक्कतें आती थी न्यूटन वाले से, पर आइंस्टाइन वाले से फिर कुछ नहीं आता ना, और वो सही भी है ना, आइंस्टाइन वाली सही है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मान लो ये फ्रेम है ना, ये एलिवेटर जी एक्सेलरेशन से गिर रहा है, एलिवेटर है मान लो फ्री फॉल कर रहा है, तो एलिवेटर की फ्रेम में इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, जितनी ग्रेविटी से नीचे गिर रहा है उतनी ग्रेविटी ऊपर की डायरेक्शन में आएगी ना, तभी तो अपन वेटलेसनेस फील करते हैं। तो अगर एक कॉइन को रखोगे वो वहीं का वहीं रह जाएगा। सो इट इज सेटिस्फाइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इस कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा और ये मूव भी नहीं कर रही, यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है।
तो जो एक फ्रेम फ्री फॉल कर रही है, एक एलिवेटर जो फ्री फॉल कर रहा है, इट इज ए परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन के हिसाब से नहीं है, न्यूटन के हिसाब से तो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, पर आइंस्टाइन के हिसाब से है। पर आइंस्टाइन के हिसाब से वो इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। पर तुम कहोगे सर वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सर एमजी लग रहा है उस पर। अरे बेटा आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटी फोर्स ही नहीं है। अरे बेटा आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स, ग्रेविटी इज द कर्वेचर इन स्पेस टाइम। उसका मतलब क्या होता है वो छोड़ दो, है ना। एंड बस इतना ध्यान रखना, आइंस्टाइन की सबसे ज्यादा अपडेटेड थ्योरी अभी तक की है ना, जो बहुत ज्यादा सही है ना, अभी तक इससे बेटर थ्योरी हमारे पास नहीं है ना, तो हम तो इसी को रियलिटी मानते हैं फिलहाल के लिए ना, ठीक है।